पंजाब में अकाली दल और भाजपा के गठबंधन के सारे दरवाजे आज बंद हो गए। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि पंजाब की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी, मगर सुनील जाखड़ ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया। सुनील जाखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया। जाखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जो काम किए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ने ये भी कहा है कि पिछले 10 सालों में किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई। पंजाब के लोगों को लंबे समय से उम्मीद थी कि प्रदेश में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन होगा। गठबंधन के कयासों के बीच शिरोमणि अकाली दल ने MSP और बंदी सिखों जैसी कई शर्तें सामने रख दी, जिसके बाद दोनों पार्टियों में गठबंधन की राह मुश्किल नजर आने लगी है। ऐसा माना जा रहा था कि गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अकाली दल के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन अकाली दल की कोर कमेटी ने राजनीतिक से ऊपर सिद्धांतों को रखकर सारा गुणा गणित बिगाड़ दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी भाजपा के गठबंधन की राह देख रही थी। कांग्रेस की रणनीति थी कि खुद को प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में पेश करे। कांग्रेस मान रही है कि अगर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन होता तो उसका मुकाबला गठबंधन के साथ होता। अब गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ हो गई है, ऐसे में अब कांग्रेस का मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी बहुत पहले पंजाब की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इस बाबत पार्टी ने उम्मीदवारों को पहली सूची जारी भी कर दी। पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अब आगे ही देखना होगा कि भाजपा और अकाली दल के अलग अलग लड़ने से किसको ज्यादा फायदा होगा। क्या कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनावी नतीजों को फिर से दोहराएगी या इस बार पंजाब भी उसे अपने हाथ से गंवाना पड़ेगा।